हेलो फ्रेंड्स, गौतम टू चैनल स्पोर्ट इन ट्रेंड में मैं आपको क्रिकेट की खबरें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल फ्राइब नहीं किया चैनल फ्राइब जी बल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमें सके पहले बड़ी खबर करो करें। हमने कल क्या है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा कल से, उससे रिलेटेड खबर निकल के बात की जाए तो जो वेस्ट इंडीज़ है उन्हें 13 मेंबर की स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दिया। और बात की जाए तो किन किन खिलाड़ियों को जगह मिली मैं आपको बता दूं। कैरिज ब्रैथवेट कप्तानी करते हैं, जोरम ब्लैकवुड इसके साथ, निकुल बर्नर्स, इसके अलावा अगर बात की जाए तो रुस्तम चास और रकीन कॉर्नवेल और जासू डी सिल्वा और जेसन होल्डर और शिव होप काफ़ी समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर से वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अल्जेरी जोसफ और कायल मेयर्स बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, इसके अलावा केरन पावल्स और कैमर रोच और जेन सीरीजर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, ये भी अंडर 19 में बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी और ज़बरदस्त गेंदबाज है ये भी। और 13 मेंबर स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी, जो कल से टेस्ट मैच शुरू होगा उसमें यही खिलाड़ी इन्हीं खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुने जाएंगे, सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर करो कर खबर निकल के आ रही फखर जमान के आलसत की बड़ी खबर। पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन अगर देखा जाए तो ओपनिंग बल्लेबाज पाकिस्तान के ज़बरदस्त बल्लेबाज इस वक्त किए हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग जब से आई है तब से हमारे जो यंगस्टर है उनके लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक यंगस्टर हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो रहे हैं और हमारी पाकिस्तान की टीम में इनका रोल बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी यंगस्टर खेलते हैं वो बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड खिलाड़ी है और वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की टीम को लीड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे यंगस्टर है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की टीम को बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगे, कहना है फखर जमान का। और तीसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है केन विलियमसन के हवाले से की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत ही बुरी खबर अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल के अगर बात की जाए तो केन विलियमसन फिलहाल के लिए इंजर्ड हुए हैं। अभी तक कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में खेलेंगे या नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट निकल के आ रही कि वो थोड़े से इंजर्ड हुए हैं। अब देखने वाली बात हुई कि कल जो दूसरा टेस्ट मैच उनका शुरू होगा अगर उसमें केन विलियमसन खेलते हुए दिखे तो उनके लिए अच्छी खबर होगी, अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनके लिए बहुत ही बुरी खबर ये भी हो सकता है कि उनको जो अगला टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा उसमें अगर उनको रेस्ट दिया जाता है तो ये अच्छी खबर हो सकती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले। और फिलहाल यही कहा जा रहा है कि केन विलियमसन फिलहाल थोड़े से इंजर्ड हुए हैं और अगर वो ठीक होते हैं तो ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए अच्छी खबर होगी, अगर नहीं तो ये बहुत ही बुरी खबर न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिल सके। थैंक यू।